मार्केट में तो सभी ब्रांड्स का स्कूटर से भरा पड़ा है, बट इनमें से क्या आपको पता है कौन सा बेस्ट स्कूटर है जो मोस्ट पावरफुल होने के साथ साथ दूसरे स्कूटर्स के मुकाबले वैल्यू फॉर मनी है। इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 5 ऐसे ही स्कूटर्स देखने को मिलेगा जो मार्केट एंड सेगमेंट मोस्ट पावरफुल स्कूटर्स है। अगर नया स्कूटर खरीदने का प्लान है तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज TVS जुपिटर एंड होंडा एक्टिवा के अलावा भी मार्केट में बहुत ही सारे स्कूटर्स है। एंड एक बात, ये जो हार्ड वर्क कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, आप लोगों को वीडियो के थ्रू कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए ये हार्ड वर्क है। सो प्लीज वीडियो के एंड तक देखो। एंड बैक टू द मेन टॉपिक, हमारे लिस्ट का 5th स्कूटर है सुजुकी बार्जमैन स्ट्रीट 125। ये स्कूटर 124 सीसी मैक्सी स्कूटर है। सुजुकी का ये एक मोस्ट सेलिंग स्कूटर में से एक है। इस मैक्सी स्कूटर में 8.58 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 10 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। मैं ये पावर एंड टॉर्क कंपेयर करके ही बोल रहा हूँ। 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट पावर डिलीवरी देता है बार्जमैन स्ट्रीट। बहुत ही अच्छा माइलेज भी मिल जाता है, 55 to 58 km/h का माइलेज मिल जाता है। सो हुआ ना माइलेज के साथ साथ एक पावरफुल मशीन। बार्जमैन 3 वेरिएंट में अवेलेबल है। फर्स्ट स्टैंडर्ड वेरिएंट जिसका प्राइस 1.13 lakh, सेकंड राइट कनेक्ट एडिशन का प्राइस 1.18 lakh एंड एक्स वेरिएंट का प्राइस 1.36 lakh। ऑल प्राइसेस आर ऑन रोड। बार्जमैन 125 में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन एंड नॉर्मल स्विंग आर्म माउंटेड रियर सस्पेंशन मिल जाता है एंड 125 mm फ्रंट डिस्क ब्रेक रियर ड्रम ब्रेक भी मिल जाता है। एक बात कहना चाहता हूँ, सुजुकी का स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। बहुत ही अच्छा है इसका बिल्ड क्वालिटी। फ्रंट व्हील 12 इंची एंड रियर व्हील 10 इंची मिल जाता है एंड एक प्लस पॉइंट टायर जो ट्यूबलेस है। स्कूटर का कार्ब वेट है 110 kg। मैं एक छोटा सा बात ऐड करना चाहता हूँ, 125 cc विथ मैक्सी स्कूटर सुजुकी बार्जमैन से अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब फीचर्स देखते हैं। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जिसमें ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज ये सब इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ही मिल जाता है। 2 डिजिटल ट्रिपोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, क्लॉक, सर्विस रिमाइंडर ये सब फीचर्स मिल जाता है। और एक बात, राइड कनेक्ट एडिशन एंड एक्स वेरिएंट में कॉल, SMS अलर्ट, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, GPS एंड नेविगेशन ये सब स्टैंडर्ड फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिसके वजह से बार्जमैन एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। एंड इसके साथ साथ ऑल वेरिएंट्स में 21.5 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज, DRL, फ्रंट स्टोरेज बॉक्स, किल स्विच, ऑल LED लाइटिंग, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ये सब फीचर्स मिल जाता है। ये सब फीचर्स से 125 cc बेस्ट मैक्सी स्कूटर बन जाता है बार्जमैन स्ट्रीट 125। ये स्कूटर के लेके आप लोगों का क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट करके बताइए। आप लोगों को अगर लगता है वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रहा है एंड हाँ ये पर्सन कुछ हार्ड वर्क कर रहा है एंड चैनल भी कुछ काम कर रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बिकॉज आप लोगों की हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब बैक टू द टॉपिक, हमारे लिस्ट का 4th स्कूटर है TVS Ntorq 125। ये स्कूटर तो TVS की एक लकी चार्म है, बिकॉज मुझे लगता है ये स्कूटर इतना सक्सेसफुल होगा वो TVS को भी नहीं पता था। ट्रूली स्पीकिंग ये स्कूटर एक कंप्लीट पैकेज है स्कूटर मार्केट में। TVS Ntorq 125 टोटल 6 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। ड्रम इसका प्राइस 1 lakh, रेस एंड डिस्क एडिशन का प्राइस 1.05 lakh एंड सुपर स्क्वाड एडिशन प्राइस 1.13 lakh, रेस XP का प्राइस 1.15 lakh एंड टॉप वेरिएंट XT का प्राइस 1.23 lakh। सो स्कूटर्स बहुत ही सारे प्राइस ऑप्शन में अवेलेबल है। अब द चॉइस इज योर्स कि कौन सा वर्जन आप लोग खरीदना चाहते हो। सभी वेरिएंट्स में क्या क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब पावर एंड परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। स्कूटर 124.8 सीसी इंजन मिल जाता है जिसमें 9.25 bhp पीक पावर एंड 10.5 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क मिल जाता है। ये स्कूटर बार्जमैन से भी थोड़ा सा पावरफुल है, बट माइलेज थोड़ा सा कम देता है, ऑलमोस्ट 42 to 50 km/l दे देता है माइलेज। डम वेरिएंट को छोड़ के ऑल वेरिएंट में 220 mm डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक मिल जाता है। TVS Ntorq में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विथ हाइड्रोलिक डैम्पर्स फ्रंट सस्पेंशन एंड कॉइल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर व्हील 12 इंची मिल जाता है, जहां पर बार्जमैन में 10 इंची रियर व्हील मिल जाता था। ऑफ कोर्स ट्यूबलेस टायर्स के साथ आता है ये स्कूटर। ऑलमोस्ट ऑल वेरिएंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब स्कूटर के फीचर्स की तरफ देख लेते हैं एंड जहां लोअर वेरिएंट एंड हायर वेरिएंट्स में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा वो भी देख लेते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर मिल जाता है। ऑल वेरिएंट्स में कॉल, SMS अलर्ट, 3 ट्रिपोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, क्लॉक, सर्विस रिमाइंडर, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, DRL, AHO, GPS एंड नेविगेशन, USB चार्जिंग पोर्ट, किल स्विच ये सब फीचर्स मिल जाता है। बट रेस XP एंड XT वेरिएंट में एडिशनल वॉइस असिस्ट, हैजर्ड वार्निंग स्विच, LED हेडलाइट, 98 km/h का टॉप स्पीड जो नॉर्मल वेरिएंट में 95 km/h का मिल जाता है। सो लास्टली जो मेरा
सजेशन है, अगर आप लोगों का ये सब फीचर्स जरूरत नहीं है तो आप लोग लोअर वेरिएंट्स को परचेस कर सकते हो, बाकी चॉइस आप लोगों की। ओवरऑल ये स्कूटर 125cc सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल होने के साथ साथ स्पोर्टी लुक में भी 10 आउट ऑफ 10 है। लिस्ट का थर्ड स्कूटर है वेस्पा SXL 150। वेस्पा एक इटालियन प्रीमियम ब्रांड है जो स्कूटर मार्केट में बहुत ही सक्सेसफुल है। इसके परफॉर्मेंस एंड बिल्ड क्वालिटी में कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये स्कूटर को नंबर 3 पर रखा है। फर्स्ट प्राइस से स्टार्ट करते हैं। वेस्पा SXL 150 फोर वेरिएंट्स में अवेलेबल है, प्रीमियम एंड स्पोर्ट जिसका ऑन रोड प्राइस 1.70 लाख, ड्यूल इसका प्राइस 1.73 लाख एंड रेसिंग 60 इसका प्राइस 1.77 लाख ऑन रोड। सो प्राइस थोड़ा सा हाई लग सकता है और कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ब्रांड वैल्यू की वजह से। मैंने इस लिस्ट की ऑल स्कूटर्स को फर्स्ट प्रीफर किया है मैक्सिमम पावर से ही। अब देखते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस की तरफ। वेस्पा SXL 150 में 149.5 cc इंजन जिसमें 10.64 bhp मैक्सिमम पावर एंड 11.26 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है। ऑल वेरिएंट में 90 किलोमीटर आवर का टॉप स्पीड भी मिल जाता है। बहुत ही प्रीमियम एयरक्राफ्ट डाइव्ड सिंगल साइड आर्म फ्रंट सस्पेंशन विथ एंटी डाइव मिल जाता है एंड ड्यूल इफेक्ट हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स विद फोर्स पोजीशन एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन मिल जाता है। क्यूएस स्कूटर का प्राइस थोड़ा सा हाई है, अब समझ आ रहा है शायद। फ्रंट 200mm डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक मिल जाता है, जहां पर सिंगल चैनल एबीएस भी मिल जाता है, जो एक बहुत ही अच्छा फीचर है। स्कूटर की कर्व वेट है 115 kg। स्कूटर्स के ऑल बॉडी स्टील कंस्ट्रक्टेड है, सो बिल्ड क्वालिटी में वेस्पा SXL 150 टॉप क्लास है। अब फीचर्स की तरफ देखते हैं। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्पीडोमीटर मिल जाता है, जिसमें फ्यूल गेज, हैजर्ड वार्निंग इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, क्लॉक, DRL, AHO, LED लाइट्स, USB चार्जिंग पोर्ट, ये सब फीचर्स मिल जाता है। इस स्कूटर के बारे में आप लोगों का वैल्यूएबल राय जरूर कमेंट करके बताइए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कूटर की तरफ। हमारी लिस्ट का सेकंड स्कूटर है एप्रिला SR 160। ये स्कूटर दूसरे 91% स्कूटर से ज्यादा मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है एंड एप्रिला एक प्रीमियम ब्रांड है, इसीलिए SR 160 का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके पावर एंड परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। SR 160 में 160.03 cc इंजन मिल जाता है, जिसमें 11.11 bhp मैक्सिमम पावर एंड 13.44 newton meter का मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है एंड डिसेंट 90 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड भी मिल जाता है। सो मैक्सिमम पावर एंड टॉप स्पीड इनमें तो आगे है SR 160। अब देखते हैं ब्रेक्स, व्हील्स एंड सस्पेंशन के बारे में। रियर में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स विद 5 पोजीशन एडजस्टेबल एंड फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स मिल जाता है। फ्रंट में बिग साइज 220mm डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ABS, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है SR 160 में। स्कूटर के फीचर्स देख के पता चल रहा है कैसे ये स्कूटर कितना हाई परफॉर्मेंस है, इसीलिए SR 160 को सेकंड पोजीशन पर रखा गया है। प्राइस के बारे में कहना तो मैं भूल ही गया। सो स्कूटर 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, प्रीमियम इसका प्राइस 1.56 लाख ऑन रोड, कार्बन 1.59 लाख एंड रेस 1.66 लाख ऑन रोड। आई थिंक मुझे लगता है प्राइस भी ठीक ठाक है फीचर्स एंड परफॉर्मेंस के मुकाबले। SR 160 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑल LED बल्ब एक्सेप्ट टर्न सिग्नल जो हैलोजन बल्ब मिलता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, बट GPS एंड नेविगेशन SR 160 में देखने को नहीं मिलता। एडिशनल फीचर्स में RPM मीटर, माइलेज इंडिकेटर, टॉप स्पीड डिस्प्ले, ये सब मिल जाता है। एंड में एक ही बात, अगर परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए बट फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज किया जाए तो SR 160 एक बेस्ट बजट पावरफुल स्कूटर में से एक हो सकता है। हमारे लिस्ट का नंबर 1 एंड द लिस्ट बेस्ट बाइक है यामाहा एरोक्स 155। ट्रूली स्पीकिंग अभी तक मार्केट में यामाहा को कोई भी बीट नहीं कर पा रहा है पावर के हिसाब से। लाइक यामाहा की R15 जो 155cc होने के बाद भी जो पावर डिलीवरी देता है वो दूसरे किसी भी 155cc बाइक में देखने को नहीं मिलता। सेम एज एरोक्स 155 जो दूसरे 155cc स्कूटर के मुकाबले सबसे पावरफुल है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्राइस से। स्टैंडर्ड वेरिएंट का प्राइस 1.82 लाख, MotoGP एडिशन का प्राइस 1.84 लाख एंड S वेरिएंट का प्राइस 1.85 लाख। ऑल प्राइसेस आर ऑन रोड। यस, एक बात तो है कि यामाहा की प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ा सा हाई है, बट परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी के जो टॉप क्लास है वो दूसरे कोई ब्रांड में आप लोग को देखने को नहीं मिलता। अब देखते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस की तरफ। स्कूटर में 155cc इंजन मिलता है, जिसमें 14.75 bhp का मैसिव मैक्सिमम पावर एंड 13.9 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है, जिसमें 40 टू 45 kmpl का माइलेज एंड 115 किलोमीटर पर आवर का मैसिव टॉर्क स्पीड मिल जाता है। अगर बजट में
फिट होता है, सो जरूर बिना सोचे ये स्कूटर परचेस कर लो। 155cc विथ लिक्विड कूल्ड इंजिन जो दूसरे इस कैटेगरी में नहीं मिलेगा। 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक एंड 1.3 लीटर का रिजर्व फ्यूल टैंक भी मिल जाता है इस स्कूटर में। अब सस्पेंशन की तरफ देखते हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक एंड रियर में डबल यूनिट स्विंग मिल जाता है एंड 230mm फ्रंट डिस्क एंड 130mm डम्ब ब्रेक्स मिल जाता है विथ सिंगल चैनल ABS। कार वेट थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है 126 kg का। यामा ब्रांड का बाइक एंड स्कूटर का जो क्लास एंड परफॉर्मेंस है वो सिर्फ यामा ब्रांड जो ओन करता है उसे ही पता है कैसा इसका क्लास एंड परफॉर्मेंस है। सर्विस सेंटर भी अवेलेबल है अर्बन एंड रूरल एरियाज में। एरोक्स 155 में 2 ईयर्स का स्टैंडर्ड वारंटी भी मिल जाता है। अब फीचर्स की तरफ देख लेते हैं, रिसेंटली अपडेटेड टॉप वेरिएंट में कीलेस इग्निशन फीचर्स भी मिल जाता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, हैजर्ड वार्निंग इंडिकेटर, कॉल SMS अलर्ट, स्टैंड अलार्म, क्लॉक, फ्रंट स्टोरेज बॉक्स, अंडर सीट स्टोरेज 24.5 लीटर का, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, DRL, AHO, ऑल LED लाइटिंग सेटिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब फीचर्स मिल जाता है एंड स्कूटर को दमदार बना देता है। सो फीचर्स, पावर, प्राइस सभी में यामाहा एरोक्स 155 बेस्ट है। सो अब वीडियो को समराइज करते हैं। लिस्ट का ऑल स्कूटर्स बहुत सोच समझ के इंक्लूड किया गया है। मैं एग्री करता हूँ, ट्रेडिशनल जुपिटर एक्टिवा बहुत अच्छा स्कूटर है, वो थोड़ा सा बजट में भी आता है, बट मैं इस लिस्ट में जो जो स्कूटर को इंक्लूड किया हूँ वो सभी हाई परफॉर्मेंस एंड पावरफुल होने की वजह से ही इस लिस्ट पर है। और भी स्कूटर जरूर इंक्लूड हो सकता था बट मैंने कोशिश किया इस लिस्ट में ऑल टाइप स्कूटर को इंक्लूड करना। आप लोगों का राय जरूर कमेंट करके बताइए। एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो पर।